वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज आशुतोष एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बाइकर एकेएम। अभी हम हैं नाइस रोड पे, पीछे था टॉल। आज का क्या प्लान है? आज अच्छा मौसम है, चारों तरफ हरा भरा है। अभी टाइम हो रहा है 7:15 सुबह के, 7:15 अलार्म लगाया था 4:30 का, वो अलार्म स्नूज होते होते 5:30 पे बंद हुआ एंड इवन 6 बजे बंद हुआ। रात 7:15 पे मैं टॉल क्रॉस करके 7:15 पे बाइक स्टार्ट कर रहा हूँ। यही सब प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का प्लान है, मैं एक राइड किया था 1 जनवरी या 31 दिसंबर को न्यू ईयर पे, और एक जगह मैं जा रहा था, वहाँ मैं जा नहीं पाया था। क्यों नहीं जा पाया था, क्या रीजन थी, वहाँ मुझे रोक दिया गया जाने से, तो वो जानने के लिए आप वीडियो बने रहिए और आई बटन में भी लिंक मिलेगा आपको वीडियो, आप देख सकते हो कि मैं क्यों नहीं उस जगह पे जा पाया था। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में कहीं ब्रेकफास्ट करते हुए। रुका हूँ, ये रेस्टोरेंट है, क्या नाम है इसका, नाम आपको दिख रहा होगा पीछे बैकग्राउंड में, MG करके, मदारथी गार्डेनिया करके समथिंग है। तो चलते हैं फटाफट, यहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं। इट्स 8:32, बहुत लेट हो गया, 9:30 तक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 9:15 तक, 10 बजे तक पहुँचेंगे मैं कजातू संगम। और अभी बाइक में चैन ल्यूब भी डालना है एंड एयर भी चेक करानी है। तो यही है ब्रेकफास्ट एज यूजुअल, इडली वड़ा एंड डोसा एंड, बट ये रेस्टोरेंट अच्छा है थोड़ा, रामनगर के बाद में है, कनकपुरा के पहले। दिस इज मंदारथी गार्डेनिया एंड इसकी डिस्टेंस अगर नाइस रोड टॉल से देखो, इलेक्ट्रॉनिक सिटी से, तो 48 किलोमीटर्स एंड स्टिल कनकपुरा मुझे यहाँ से जाना है एंड कनकपुरा इज 9.5 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड उसके बाद 30 किलोमीटर्स मेरे जाती हूँ, तो 39-40 किलोमीटर्स और जाना है, बट अब स्पीड में चलेंगे। अच्छा रेस्टोरेंट है, सो फटाफट, लेट हो रहा है, काफ़ी लेट हो गया है। निकलना था कहाँ 5 बजे और निकले हम लोग 6:30 तक निकले, 5 बजे की जगह पे, एंड अभी टाइम हो गया राइट, मैंने जैसा बोला 9:06 हो रहा है, तो बहुत लेट हो गया। यही था रेस्टोरेंट एंड आई होप आप लोग भी जब कनकपुरा या इस जर्नी में आओ जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तो आपको ये रेस्टोरेंट में रुक सकते हो खाने के लिए। तो बाइक में मैंने यहाँ पे आज कैमरा लगाया और यहाँ पे भी लगाया था सामने से शॉट के लिए। बहुत ही हरा भरा है, बहुत ज़्यादा एकदम अच्छा लग रहा है, इतना हरा भरा, हर तरफ हरियाली हरियाली, हरा भरा हरा। अगर मैं कजातू संगम की बात करें तो ये संगम होता है कावेरी रिवर एंड अक्रावती रिवर का, और अक्रावती रिवर से मुझे याद आया अक्रावती डैम, जो कि मैं कजातू संगम क्यों नहीं जा पाया, नहीं गया, उसके बाद अक्रावती डैम पे गया था, तो उसका भी ब्लॉग आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो अक्रावती रिवर और कावेरी रिवर का संगम होता है और उसके बाद ये उसका नेम हो जाता है कावेरी रिवर और वो चली जाती है तमिलनाडु। ओह, स्कूल है। हमें अभी 10 किलोमीटर 9.5 किलोमीटर और जाना है, तो मैंने नीचे वाला कैमरा ऑन कर दिया, ये कैमरा ऑलरेडी ऑन है, तो इससे मैं ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। तो इसी जगह पे लास्ट ईयर सामने हमें रोक लिया गया था और इसके आगे हम लोग नहीं जा पाए थे, तो इस बार हम लोग निकल जाएंगे 8.4 किलोमीटर।
है।